समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अखिलेश ने नगीना सीट से भी अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस सीट से सपा ने पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। ये सीट खास इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के भी लड़ने की सुगबुगाहट तेज है। पहले ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर इंडी गठबंधन में रहकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, मगर अब जब सपा ने नगीना से अपना प्रत्याशी उतार दिया है तो ये साफ हो गया है कि भीम आर्मी चीफ के विपक्षी गठबंधन में रहने की कोई संभावना अब नहीं बची है। भाजपा के विरुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर दलित पिछड़ों की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर के सामने नगीना से अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चंद्रशेखर की हमेशा ही कांग्रेस से करीबी देखने को मिली है, तो वहीं अखिलेश से भी करीबी के किस्से कम नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी चंद्रशेखर सपा के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर पिछली बार की तरह ही इस बार भी चंद्रशेखर आजाद रावण को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। रावण ने अपनी पोस्ट में लिखा, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्होंने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। जिसने साफ कर दिया है कि चंद्रशेखर रुकने वाले नहीं है, वो एक बार फिर अकेले चुनाव में उतरेंगे। वहीं भीम आर्मी चीफ का एक और शायराना पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। यानी साफ है कि चंद्रशेखर अब सपा को भी चुनौती देने से नहीं कतराएंगे। नगीना संसदीय सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो ये संसदीय सीट अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम बिरादरी की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस क्षेत्र में मुस्लिम वोटर्स की संख्या कुल आबादी में से 70.53% है, तो यहाँ पर हिंदू लोगों की संख्या 29.06% है। यहाँ करीब 21% SC वोटर्स भी रहते हैं। इस सीट पर 50% से अधिक मुस्लिम वोटर्स के होने की वजह से यहाँ पर इनकी भूमिका निर्णायक रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दलितों पिछड़ों के हक की बात करने वाले उभरते राजनीतिक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण बसपा का दामन क्यों नहीं थामते। मायावती अपने खोते वर्चस्व और वोट बैंक को बचाने के लिए चंद्रशेखर रावण को साथ क्यों नहीं ले लेती। आखिर मायावती और चंद्रशेखर में 36 का आंकड़ा क्यों है? क्या मायावती अपने और अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के भविष्य को लेकर चिंतित है? क्या वो ये नहीं चाहती कि आकाश आनंद के भविष्य पर कोई खतरा उभरे, या कोई और वजह है? जो भी हो, ये तो साफ है कि गोरखपुर में सीएम योगी को खुली चुनौती देने वाले चंद्रशेखर रावण इस बार सपा और भाजपा सबको अकेले टक्कर देने के मूड में नजर आ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।